हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ जर्नीना में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो हम अभी शिफ्ट हो गए थे उदयपुर से दिल्ली, तो मैं यहाँ का आपको व्यू बताती हूँ और मैं अभी आपको लेके चलूँगी यहाँ पर। और यहाँ का मौसम अभी इतना अच्छा हो रहा है, तो अभी अपन बाहर चलते हैं। अभी टाइमिंग हो रहा है शाम का, 4 बज रहे हैं और ये हम यहाँ से निकले। और बच्चे सारे पार्क में ही खेल रहे थे और मैंने सोचा मैं भी शाम को जाती हूँ, तो यहाँ पर लॉक लगा कर हमारा फर्स्ट फ्लोर पर ही मतलब फ्लैट में ही रूम है, मतलब पूरा घर है वहाँ पर। तो 4 घर सबके होते हैं फ्लैट में। तो यहाँ पर मुझे इसलिए, हम जैसे छुट्टियों में आए थे रहने के लिए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो हम यहीं शिफ्ट हो गए थे। जैसे हस्बैंड की मेरी जॉब 1 साल से यहीं है, तो बस यही था। तो हमको क्या घर जैसा ही इन्वायरमेंट लगा, क्योंकि जस्ट हम जहाँ पर रहते थे पहले वहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर पर घर था, नीचे गार्डन था, तो बहुत ही अपनापन जैसा लगा। और यहाँ का वातावरण और यहाँ का आसपास का जो भी इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा लगा, और सब लोग भी समझ में आ गए थे यहाँ का नेचर। परम उधर झूले लगे, तू आ नहीं रहे? नए झूले लगे कल गया था। अच्छा, तो जस्ट हमारे घर के पार्किंग एरिया घर के सामने ही, तो यहाँ वाले घर से हमारा यहाँ पर कार भी यहाँ पर ही रख दिए, सारे व्हीकल यहाँ पर ही रहते हैं। और यहाँ पर परम मिल गया मेरे को, कुछ दिखा रहा है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। पेड़ से गिर गई? हाँ, देख मैं बता दी, एक बच्चों ने केक बनाया वहाँ पे। चल सावन चल जाता है। तो शाम को यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू रहता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर दिन भर। यहाँ पर शाम को बहुत सारे बच्चे मिलकर मिट्टी से कुछ ना कुछ अपना आर्ट बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चों का मैंने देखा आर्ट इतना अच्छा केक बनाया, जैसे रियल में चॉकलेटी केक हो वैसा बना रहे थे बच्चे। और छोटे छोटे बच्चे परम की एज के बहुत ही एक्टिव मतलब रहते हैं, कुछ भी मिट्टी का बनाते। और यहाँ पर सबसे स्पेशली ये होता है कि मत, सबकी मम्मियाँ मना कर देती मिट्टी में मत खेलो ये, मतलब यहाँ पर कोई किसी पेरेंट्स बच्चों को नहीं बोलते हैं मिट्टी मत खेलो। बच्चों को जो इच्छा होती मिट्टी से ये अलग अलग अपना आर्ट बनाते हैं। और मेरे को भी लगता है कि अगर बच्चे खेले तो अच्छा रहता है, कोई इन्फेक्शन का ऐसा कोई नहीं रहता है खतरा। ऐसे कहते हैं मिट्टी में खड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पर आराम से बच्चों को छूट दी जाती पूरा फुल खेलने के लिए। इसलिए परम भी मिट्टी में बहुत, परम को बचपन से ही मिट्टी बहुत पसंद है खेलना मिट्टी में, तो ये भी इनके साथ खेलता है। अभी मुझे अच्छा बता रहा था मम्मा अपना नेल कटर जो था वो ऊपर से दीदी ने फेंक दिया था, तो अच्छा रहा परम को मिल गया। पता नहीं इन्होंने कब नेल कटर से नाखून कट कर और ऊपर से डाल दिया था, और फाइनली हमारे को मिल गया था। फिर मैं सोच रही हूँ आगे चलूँ। वो जस्ट यहाँ पर हमारा अभी न्यू झूला भी लगा है, जैसे ही जैसे हम मैं घर से मतलब आराम से किसी भी खिड़की से विंडो मतलब कुछ भी बच्चों को किसी भी एरिया से देख सकती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। हम हमारे आने के जस्ट बाहर है, हमारी मतलब खिड़की से ही दिख जाता है। तो हमने काफ़ी सुना होता है दिल्ली का एरिया अच्छा नहीं होता है, बहुत ही मतलब ऐसा सोचते हैं लोग, बट हम यहाँ पर आए तो हम मेन दिल्ली में नहीं, दिल्ली से हम थोड़ा सा 1 किलो के मतलब 1 घंटे का रास्ता है, उसके बाद हमारा दिल्ली आता है। तो हम थोड़ा भिवाड़ी साइड में है, तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़े, तो आप यहाँ देख सकते जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इतना नीट एंड क्लीन गार्डन का इतना अच्छे से मेंटेनेंस इतना अच्छा है, यहाँ पर हर काम इतना अच्छा केयर से किया जाता है। और बहुत ही सेफ जगह है यहाँ पर, हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, सीसी कैमरे, बच्चे यहाँ बाहर खेलते तो बिल्कुल सेफ है और कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो वास्तव में हम यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने यहीं से लिया। और बच्चों का खास स्कूल भी बहुत अच्छा सा मिल गया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अब यहाँ पर रहने में। इनिशियल में लगा था, बट यहाँ आने के बाद बहुत ही, जब आगे हमको ये मन में था पता नहीं कैसा होगा, कहाँ वहाँ का जगह कैसे होगी, पानी सूट होगा नहीं होगा, बट यहाँ आने के बाद सारी टेंशन दूर हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए शाम को पार्क से, और फिर बच्चे यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं स्कूल में, इनकी कोई एक्टिविटी थी मैंगो वाली, तो यही बना रहे हैं फ्रूट ग्रीन डे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में। तो ये बच्चों ने यहाँ पर कुछ एक्टिविटी इनकी चल रही है, तो यूवी का कुछ बना रही है मैंगो की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं वो भी आप मुझे अगर सजेस्ट कर दे तो बहुत ही अच्छा।
और बहुत से लोग पूछ रहे हैं अभी आप जॉब कर रहे हो, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी पूरा फोकस बच्चों के ऊपर ही, क्योंकि परम जैन जी अभी थोड़े छोटे हैं, तो यहाँ का थोड़ा स्कूल है तो यहाँ की थोड़ी पढ़ाई अलग है, तो थोड़ी सी हार्ड हो रही है उदयपुर से। तो मेरा अभी यही है कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, तो सबसे पहले युविका और परम जो भी है इन तीनों के ऊपर ही अभी मेरा फोकस है, इनको ही पढ़ा रही हूँ मैं फ़िलहाल घर पर। और ट्यूशन स्टार्ट करा है, कुछ बच्चे आते हैं, 2-3 बच्चे, तो मेरा टाइम पास हो जाता है, घर का ध्यान और बच्चों का केयर ही है। तो इस साल तो फिलहाल मेरा यही चलेगा, नेक्स्ट ईयर देखती हूँ। और यहाँ पर हमारे जस्ट पास में फिश एक्वेरियम लाए थे, तो परम को काफ़ी अच्छा लग रहा था, कुछ 8 फिश थे और बहुत ही सुंदर था, तो हम वहाँ पर चले गए थे और यहाँ पर हम देख रहे थे। परम को देख सकते हो आपकी को कितना अच्छा लग रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।